कोडरमा के रहने वाले छात्र मोहम्मद शाहरुख यूक्रेन की राजधानी कीव में फंसे हुए हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर पूरा परिवार परेशान है। शाहरुख के भाई ने कोडरमा जिला उपायुक्त को पत्र लिखकर उसे सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। वहीं शाहरुख ने एक वीडियो संदेश जारी कर परिवार को बताया है कि वे सुरक्षित हैं। की सिचुएशन काफी क्रिटिकल है यूक्रेन में, थोड़ा शेलिंग्स वगैरह भी हुआ है, आप अपने वीडियोस में देखा होगा। बट ये है कि पैनिक नहीं होना है, हम लोग मैं यहाँ पे सेफ हूँ अभी, जो भी अपने फ्रेंड्स के होम पे हूँ। और मैं आप लोग से यही बोलूंगा कि हमारी एम्बेसी भी ट्राई कर रही है कि इस सिचुएशन को जितना बेटर से बेटर टैकल किया जा सके और हमें इवैक्यूएट कराए। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मतलब लाइक ज्यादा कार्स वगैरह नहीं है, पब्लिक उतना रोड पे नहीं है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सिचुएशन और बिट क्रिटिकल है, बट कोई बात नहीं, पैनिक नहीं होना। मैं घर पे हूँ, यहाँ पे सेफ है। ओवरऑल वहाँ पे आगे लाइक थोड़ा सा ये आगे वो राइट साइड में जाके वहाँ पे एक बंकर है, जहाँ पे लाइक अगर शेलिंग्स वगैरह हुए तो वहाँ पे जाके हम शेल्टर कर सकते हैं और पैनिक ना हुए। और जो भी मेरे फैमिली वाले हैं, मैं उनसे यही बोलूंगा कि वो लाइक बेटर सिचुएशन के लिए वेट करें, होप सब ठीक हो जाए। यूक्रेन में फंसे लोगों की मदद के लिए झारखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। खबरों से जुड़े रहने के लिए